अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज जहाँ जहाँ जाएंगे आपको साथ लेके जाएंगे। तो हमारे साथ जी बच्चे भी थे, हमने सोचा इन्हें भी साथ ले जाते हैं। तो बेसिकली हम आए तो यहाँ पे साइमा परी मॉल में थे, लेकिन अभी वो आगे था तो उससे पहले ये कबूतर थे बहुत ज़्यादा रोड्स पे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और मुझे इन्हें देख के मक्का के कबूतर चौक की याद आ गई। तो बस इन्जॉय कर रहे थे हम यहाँ पे, थोड़ी देर हमने स्टे किया और इन्जॉय किया यहाँ पे। तो आगे हम आए मॉल में, तो मॉल था बंद क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह तो कुछ भी ओपन नहीं होता। मतलब 10, 11, 12 बजे भी यहाँ पे कोई चीज़ ओपन नहीं होती। यहाँ पे 2-3 बजे मॉल्स भी ओपन होते हैं। तो ये बच्चे बाहर मॉल के बैठे थे और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। तो उसके बाद जी हम आ गए थे मेरे हस्बैंड के मामू, उनके घर हमारा लंच था तो वहाँ पे गए थे हम। तो उनके मतलब मामानी ने बनाया था, पिज़्ज़ा बनाया था खुद, और ये फ़िश फ्राई की हुई थी, साथ शामी कबाब थे, सैलेड थी और रोटियाँ थी, रायता था और मैक्रोनी सैलेड थी, और साथ थी बिरयानी जो कि एंड पे आई थी। और उसके बाद भी खैर सालन भी आया था, कौरमा स्टाइल का सालन था जो बहुत टेस्टी था। और कराची की बिरयानी की तो क्या ही बातें हैं, बहुत मज़े की बनाते हैं कराची वाले बिरयानी। और बहुत मज़ा आया उनके घर लंच करके, उनसे मिलके बहुत मज़ा आया। तो ये है हमारा लंच। और उसके बाद फिर हम उनके घर से आ गए थे और आगे फिर यहाँ हम आए थे तूबा मस्जिद। कराची में तूबा मस्जिद थी एक, तो मेरे हस्बैंड एक्चुअली हम इस दफ़ा जाने से पहले ही नेट पे सर्चिंग करके गए थे कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे। तो ये उनके घर के पास थी तूबा मस्जिद, पर हम आए यहाँ पे तो ये विज़िटर्स के लिए तो खैर नहीं बनाई हुई थी उन्होंने, ये नमाज के टाइम पे ओपन होती थी और मे बी मुझे भी ना जाने देते। तो इस टाइम उनका क्लोजिंग टाइम था, उन्होंने हमें अंदर ही नहीं जाने दिया। और थकावट से शायद, और मौसम भी चेंज है कराची का, तो इस वजह से मेरा गला भी ख़राब है, तो आपको आवाज़ कुछ ऐसी लग रही होगी। तो खैर कोई बात नहीं, वॉइस ओवर तो फिर मुझे करनी ही करनी थी, इस वजह से मैंने कहा जैसी भी आवाज़ है उस आवाज़ में वॉइस ओवर कर देते। और ये मस्जिद गोल सी थी ऊपर से और बहुत अच्छी लग रही थी। तो जी फिर खैर हमें अंदर तो जाने नहीं दिया और फिर हमने बाहर रोड पे आके इस मस्जिद का व्यू लेने की कोशिश की, पर दूर से इतना अच्छा व्यू तो नहीं आया, पर हमने ले लिया। तो ये बड़ी प्यारी मस्जिद लग रही थी बाहर से और यकीनन अंदर से भी अच्छी होगी। और फिर हम यहाँ से आगे से गुजरे तो ये चर्च आया एक, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चर्च की वीडियो बना लेते हैं। चर्च भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये देखिए ये चर्च है और काफ़ी सजा भी हुआ था क्योंकि इनकी ईद यानी क्रिसमस इनकी अभी गुजरी ही थी। फिर हम आगे थे जी एट्रियम मॉल, सदर के एट्रियम मॉल में आए थे। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सजावट थी, आजकल हर मॉल में हर जगह सजावट थी क्योंकि एक तो क्रिसमस गुजरी, दूसरा न्यू ईयर आने वाला है, तो इस वजह से हर जगह बहुत सजावट की हुई थी इन्होंने। तो एट्रियम मॉल में भी, एट्रियम मॉल भी बहुत ज़्यादा सजा हुआ था।
और जी मेरी तरफ़ से भी आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ये नया आने वाला साल हम सब के लिए खुशियाँ लाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।